विद्यार्थियों, एसवी ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम एक एनकरेजमेंट वाली स्टोरी बताएंगे। एक बाबा जी थे, बहुत ही बुजुर्ग। ये एक बाबा जी हैं, बहुत ही बुजुर्ग तथा रात के टाइम वह एक जगह को देख रहे थे जहाँ उन्होंने सोना था। तो उन्होंने देखा कि एक मस्जिद है जहाँ वह सो सकते हैं। जैसे ही उन्होंने मस्जिद की दीवार को हाथ लगाया, मस्जिद की दीवार को हाथ लगाया, तो क्या हुआ कि मस्जिद की दीवार गिर गई। मस्जिद की दीवार गिर गई, पर बाबा जी आराम से अंदर सो गए। बाबा जी आराम से अंदर सो गए। अगले दिन लोगों ने देखा कि एक बाबा जी मस्जिद में सो रहे हैं और उसकी दीवार इसने गिरा दी है। बाबा जी को उन्होंने बांध कर, किससे बांध कर, रस्सी से राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए। किसके पास ले गए? राजा के पास। तो राजा ने कहा कि भाई, तूने मस्जिद की दीवार को गिरा दिया है। ये जो मस्जिद है, भगवान का घर है, इसलिए तूने यह गुस्ताखी की है। मैं इसकी यह सजा मिलेगी, पुनिशमेंट मिलेगी, यह पुनिशमेंट पुनिशमेंट मिलेगी यह कि आपका जो सिर है उसको तलवार से काट दिया जाएगा। तलवार से काट दिया जाएगा। जब राजा का यह हुक्म हुआ तो बाबा जी मुस्कुराने लगे। हा, बाबा जी मुस्कुराने लगे। हा, क्योंकि वह सब कुछ जानते थे। राजा ने जब इसका कारण पूछा कि तुम्हें मौत की सजा मिली है, तो तुम इस समय क्यों हंस रहे हो? तो बाबा जी ने कहा कि यह जो दीवार है उसको ईंटों से, बजरी से, सीमेंट से तथा रेता से बनाया गया है। इसको गिराने की सजा मुझे अपनी जीवन का बलिदान करने से देना पड़ रहा है, पर मेरा यह जो शरीर है, बॉडी है, यह बॉडी है, यह तो भगवान का मंदिर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। इसको मारने की, इसको गिराने की परमात्मा तुझे क्या सजा देगा? क्योंकि इंसान का जो बॉडी है उसमें आंखें हैं, उसमें एक हार्ट है, दो किडनियां हैं, एक लीवर है, एक ब्रेन है,
72,000 नस नाड़ियां हैं, बीच में खून की सप्लाई है, एक पंप है जिसे हार्ट कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन मिलती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, उसमें एक आत्मा है जो जीता है, इसको खत्म करने की सजा तुमको तथा तुम्हारे सिपाहियों को क्या मिलेगी? तो वो राजा ने अपनी तलवार फेंक दी और उस बाबा जी के चरणों में आ गिरा तथा कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस कंकड़ पत्थर की दीवार में मोहित होकर परमात्मा की बनी दीवार ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाने जा रहा था। तो प्यारे दोस्तों, ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बने हैं, वो तो ईंटें तथा पत्थर को मिलाकर बने हैं, तथा जो भगवान का असली मंदिर है, इंसान, ह्यूमन बॉडी तथा ह्यूमन, उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, उसके लिए, उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए हमें अपना जीवन देना चाहिए, तथा उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो हमने इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त की। धन्यवाद।